फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये जो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये पैटर्न बताया था स्क्वायर डिज़ाइन का, तो इसको मैं जोड़ना बताऊंगी आप लोगों को। इस वीडियो में मैं आपको इसको ज्वाइंट करना बताऊंगी कि आप इसको कैसे जोड़ सकते हो अलग अलग पैटर्न को, और आप इससे जो मर्जी बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं ऐसे ही जोड़ के। आप इसको कुशन कवर कुछ भी बनाइए, ब्लैंकेट बनाइए, मैट बनाइए, तो मैं इस वीडियो में आपको इसको जोड़ना बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको जोड़ना सिखा देती हूँ आप लोगों को। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको बनाना बताया था कि आप इसको कैसे बना सकते हो इस डिज़ाइन को, तो आज की वीडियो में मैं इसको जोड़ना बताऊँगी। और उसी क्रोशिए से, हुक से, और ये वाइट कलर की ऊन से जोड़ रही हूँ। आपके पास जो भी कलर हो आप वैसे बना लीजिए पहले। तो हमने क्या करना है, जोड़ने से पहले आपको दिखा देती हूँ। आपने एक राउंड इस वाइट ऊन का निकालना है। आपने जो भी जोड़ने के लिए ऊन लगानी है, एक और राउंड आप ऐसे लगा लीजिए जैसे मैंने, देखिए इनमें लगाया था, सेम वही राउंड आप तीसरा, क्योंकि ये पहला ये दूसरा, तो तीसरा राउंड मैंने वाइट कलर की ऊन से पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा लिया। अब हमने कैसे जोड़ना है इसको, देखिए वाइट कलर के धागे को हमने लेना है और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हमने इसको ऐसे जोड़ देना है। और यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन डालेंगे, और यहाँ पे दो डबल क्रोशिए, तीन और दो की चैन ले लेंगे, फिर हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिए बनाने हैं। ये तीन बनाए आपने, फिर अगले वाले में तीन बनाने हैं। आपने सेम वैसे ही रिपीट करना है जैसे राउंड में किया था। अब यहाँ पे भी तीन, तो यहाँ तक मैं लास्ट तक ऐसे ही बना लूँगी इसको। तो देखिए मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सारा बना लिया, और यहाँ पे आके मुझे छः बनाने थे लेकिन मैं तीन बनाऊँगी। तीन बनाने के बाद अब हमने क्या करना, एक चैन ले लेनी है, और यहाँ पे आ जाइए, इसको लेके आपने क्या करना है, इसके अंदर देखिए आपने देखिए इसको तीन लेके, और यहाँ पे हमने जो ये छः हैं इसके पास हमने इसको जोड़ना है, ऐसे जोड़ के आपने, ऐसे जोड़ के, और आपने यहाँ पे एक लेके चैन, और फिर इसी के अंदर आपने तीन और बनाने, दो तीन, देखिए तीन बन गए, यहाँ पे हमने जोड़ा था। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हमने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये छः छोड़ के हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमने एक और चैन लेनी, और यहाँ पे हमने तीन बनाने, दो और तीन, तीन बनाए। अब आपने ऐसे ही करना है, पिछली साइड आपने देखिए सिंगल क्रोशिया कहाँ डाला था वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे डाला था। आप नेक्स्ट वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, और अब आपने एक की चैन बनानी, और यहाँ पे तीन, इस साइड आपने तीन तीन डबल क्रोशिए बनाते हुए जाना है ऐसे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ डाली थी, अब यहाँ डालनी है नीचे की तरफ से, देखिए चाहे आप नीचे की तरफ से डाल लीजिए ऐसे और ऐसे। अब एक चैन बनाएंगे और डबल करेंगे धागा, और यहाँ पे तीन की चैन बनाएंगे, सॉरी तीन डबल क्रोशिए बनाएंगे, फिर उस तरफ जाना है सिंगल क्रोशिए से ऐसे जोड़ देना, और एक की चैन ले लेंगे, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिए बनाएंगे। इस साइड हमारे तीन तीन डबल क्रोशिए बनेंगे, उस साइड हमारे सिंगल क्रोशिए से ऐसे, सिंगल क्रोशिए से आपने ऐसे कर देना, फिर एक की चैन, और फिर आपने यहाँ पे तीन, यहाँ पे आपने तीन बनाए। अब देख लीजिए लास्ट में आ गए हम। अब आपने क्या करना, यहाँ पे बीचों बीच में सिंगल क्रोशिए से ऐसे कर देना, देखिए ये देखिए। अब यहाँ पे आपने
इस तरफ ला के एक की चैन बनानी है और आपने इसी के अंदर तीन डबल क्रोशिया और बनाने हैं, दो तीन। तो देख लीजिए ऐसे जुड़ के आएगा, ये देखिए जुड़ गया आपका ऐसे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पूरा राउंड वैसे ही देना जैसे सेम बनाया हुआ है। जोड़ने का तरीका आपका यही है, तीन फिर डबल क्रोशिए से तीन, फिर आपने डबल क्रोशिए से तीन, फिर तीन, तीन। और अब आपने इसमें छः बनाने हैं, इसके अंदर जो हमारा ये कोने हैं, कोनों में हमारे तीन डबल क्रोशिए बनेंगे और दो की चैन, फिर तीन बार डबल क्रोशिए बनाएंगे। बहुत ही इजी है इसको जोड़ना। तो देखिए आगे भी मैंने इनके अंदर तीन तीन बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ तीसरी चैन के अंदर इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिए से ऐसे जोड़ देना है, ऐसे जोड़ दिया। अब धागा तोड़ देंगे। तो देखिए धागा तोड़ दिया और हमने इसको निकाल लिया ऐसे, और धागे को आप ऐसे अंदर कर सकते हैं इसके। यहाँ पे देखिए दो हमारे जुड़ गए। अब हमारा देखिए तीसरा आएगा, तो तीसरा हमने यहाँ जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो पहले मैं उसको ऐसे बना लूँगी, ऐसे वही रिपीट करना है आपने। बीच में कहीं से भी आप कहीं से भी कर लीजिए, यहाँ से तीन तीन बनाए आपने, फिर दो की चैन, फिर यहाँ पे तीन फिर बनाएंगे, और आपने फिर आगे तीन बनाने हैं डबल क्रोशिए। कोने पे आपने छः बनाने हैं, बाकी आपने तीन तीन बनाते जाना है। तो देखिए आपने ये एक साइड बना ली है और यहाँ पे तीन बनाए आपने, क्योंकि छः बनने थे लेकिन तीन बनाए। अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ पे आना है और इनके तीन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिए से इसको जोड़ देंगे, एक चैन बनाएंगे और इसी के अंदर हमने तीन और बनाने, छः हो जाएंगे मेरे। अब आपने उस साइड सिंगल क्रोशिए से फिर ऐसे जोड़ना है और एक की चैन बना देनी ऐसे, और यहाँ पे आपने तीन फिर वही डबल क्रोशिए चलाने हैं। फिर आपने उस साइड यहाँ पे तीन, एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे तीन, फिर इस साइड आपने सिंगल क्रोशिया, फिर इस साइड डबल क्रोशिए तीन बनाने, फिर उस साइड आपने फिर सिंगल क्रोशिया और एक की चैन बना लीजिए और यहाँ पे तीन डबल क्रोशिए, यहाँ पे फिर आपने एक सिंगल क्रोशिया, एक की चैन, और यहाँ पे लास्ट में आगे देखिए कोने पे, तो यहाँ पे हमने तीन बनाने हैं। देखिए अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए हम ऐसे आ गए। ये देखिए यहाँ पे आ गए अब कोने में। तो अब आपने क्या करना है, देखिए कोने पे आ गया ऐसे। अब आपने सिंगल क्रोशिया इसके अंदर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इनके अंदर डालना है ऐसे, और ये देखिए, और यहाँ पे भी आप एक की चैन बना लीजिए और यहाँ पे फिर तीन डबल क्रोशिए बनाएंगे। सिर्फ आपने इनके अंदर यहाँ पे एक चैन
लेनी है और बाकी आपने ऐसे ही बनाते जाना है। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देख लीजिए मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने तीसरी चैन में इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है और धागे को तोड़ देंगे यहाँ पे, ऐसे तोड़ दिया। अब आप इसको धागे को पीछे की तरफ से ऐसे, तो देखिए हमारा ये भी जुड़ गया। देखिए ऐसे, ये देखिए ये भी जुड़ गया ऐसे। अब हमने ये पैटर्न जोड़ना है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जोड़ना है अब हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही धागा लगाएंगे। आप रख रख के देखिए आपको कहाँ डब्बी जोड़ने से पहले हमने यहाँ पे पहले 6 बार बना लेना है, 3 डबल क्रोशिया बना के आगे 2 की चैन लेके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये राउंड हमने ऐसे बनाना है, चौथी जब हम जोड़ेंगे डिब्बी यहाँ पे, देखिए हमने पूरा यहाँ तक ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए चौथी डिब्बी हमने जब जोड़नी है तो यहाँ से हमने 6 बनाने, बाकी 3 दिन यहाँ पे 3 बनाएंगे। 3 बनाए आपने, इस 3 के साथ जो हमारा ये 6 वाला है, ये देखिए 3 इस तरफ 3 इस तरफ, इसको हमने बीच में से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेना ऐसे और 1 चैन बना लेंगे। और फिर हमने यहाँ पे 3 बार फिर इसी के अंदर 3 बार फिर बनाएंगे। तीन बार बनाया, अब आपने सिंगल क्रोशिया दूसरे वाले पैटर्न में 1 चैन ले लेंगे और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आपने उस तरफ 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन लेंगे, फिर इस तरफ जोड़ेंगे, इस तरफ आपको डबल क्रोशिए बनाते जाना है 3-3, और उस तरफ आपका जहाँ बना हुआ है तो उसको आपने सिंगल क्रोशिए से ऐसे करते जाना, 1 चैन ले लेनी है, फिर आपने 3 डबल क्रोशिए और उस तरफ 1 सिंगल क्रोशिया और 1 चैन, इस तरफ फिर आपने 3 डबल क्रोशिए और आपकी उस तरफ 1 चैन आएगी। इस तरफ फिर आपने यहाँ पे लास्ट कोने में आगे यहाँ पे 3 बनाएंगे डबल क्रोशिए, 3 बनाने हमने। और देखिए अब मेरा पैटर्न कुछ इस तरह के लुक में आ रहा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे लास्ट में हमने देखिए क्या करना, आप बीचों बीच आ गए, देखिए यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, आपने बीचों बीच आ गए। अब ये देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बीचों बीच आपने यहाँ से उल्टी साइड से आपने बीच में से सिंगल क्रोशिया ऐसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिए से ऐसे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 चैन ली। अब आपने इसी के अंदर 3 और बनाने, क्योंकि हमने 3 बना लिए, यहाँ पे 6 बनेंगे हमारे, पहले हमने जोड़ लिया 3 बने। अब देखिए उस तरफ हमने यहाँ डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए ये देखिए ये देखिए बिल्कुल आपका पैटर्न ऐसा बन के आएगा। अब आपने वही कंटिन्यू करते जाना है, इस तरफ 3 बनाने हैं इनके अंदर, फिर यहाँ पे 3 बनाएंगे, और उस तरफ 1 बनाएंगे। एक चैन ले लेंगे और इस तरफ ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे कोने पे आ गए हम, ये देखिए अब यहाँ पे मैंने कोने पे 3 बनाए हैं, तो इनको 3 को क्या करना है, हमने इस 3 के साथ 1 बार अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये देखिए
इससे सिंगल क्रोसी से बनाएंगे और ये देखिए इस तरह पलट लेंगे। पलटने के बाद एक की चैन बनाने और यहीं पे तीन डबल क्रोशिए बनाएंगे। यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये धागा हम पीछे कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा बन गया है। अब इसको मैं पूरा कर लेती हूँ। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिए से जोड़ देना है इसको और धागा तोड़ देंगे ऐसे। अब देखिए, देखिए हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए बना हुआ। ये देखिए ऐसे आप जोड़ लेंगे और अब आप इसको ऐसे ही जोड़ के चाहे तो आप बेडशीट बना लीजिए और ब्लैंकेट बना लीजिए या फिर कुशन कवर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।